आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। झारखंड राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां मिथिला समाज द्वारा आयोजित एक बैठक में वे शामिल हुए। वहीं बैठक के उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिले भर में मिथिला समाज के निवासियों की संख्या लाखों में है और इनकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो निवर्तमान भाजपा के सांसद ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज तक शहर से मिथिलांचल के लिए 2 ट्रेनों की मांग की गई थी जो पूरी नहीं हुई। साथ ही झारखंड राज्य के परीक्षाओं में मिथिला भाषा को शामिल किए जाने की मांग मिथिला समाज के द्वारा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को मिलता है तो निश्चित तौर पर मिथिला समाज के सवाल संसद में पहुंचेंगे और उनका समाधान भी होगा। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के चुनाव के देश के 6ठे चरण और हमारे राज्य के 3रे चरण का चुनाव 25 तारीख को जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा में होने जा रहा है। आज जमशेदपुर में यहाँ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मिथिला भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। आज उन लोग सभी जितने मिथिला परिषद के, जितने भी मिथिला सांस्कृतिक मंच, मिथिला परिषद और अन्य संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं, बुद्धिजीवी नागरिक वृंद हैं, आज सभी लोगों के साथ एक संवाद यहाँ हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच, नीति, सिद्धांत, कार्यशैली बताने का कार्य किया गया मेरे द्वारा और कुछ मांगे भी मिथिला परिषद के लोगों के, हम मतलब मैथिल भाषा भाषी लोगों के द्वारा रखी गई। और हमने इन्हें आश्वस्त किया है कि आप यहाँ योग्य प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, क्योंकि 10 वर्षों से एक प्रतिनिधि चुनकर यहाँ भेजा जा रहा है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN24।